भगवान बचाएंगे, ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी। महापुरुषों की कृपा के बिना सत्य वस्तु का मार्ग नहीं प्रकाशित होता और ना सत्य वस्तु का बोध होता है, उनकी कृपा से होता है। आत्मबोध की बहुत कमी नहीं छूटा, इसलिए कि विषयानंद में वृत्तियां राजी हो गई तो आत्मबोध की तरफ वृत्ति कैसे जाए। हाँ, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, जब दुर्वासनाएं हमें आकर्षित करके विषयानंद में फंसा देती है तो आत्मानंद की तरफ वृत्ति नहीं जाती। नहीं तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जिसे परमानंद में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर वो देह या देह धर्म से विषयों का सेवन करना, इसे नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो इस भ्रम में फिर नहीं फंसता है। तो ये गुरु कृपा से ही ब्रह्म बोध होता है और गुरु कृपा से ही आत्मरति होती है। आत्मरति, हाँ, उसे अब भक्ति में जब हम कहते हैं तो कृष्ण रति, राम रति, शिव रति, वही आत्मरति है। जो ज्ञान मार्ग का पथिक है वही ब्रह्म बोध करता है, अपने स्वरूप का बोध कर लेता है। जी, नागेंद्र सिंह राठौड़ जी, उत्तर प्रदेश। जी, जी।